और अब तक हमें नोबारा का पास दिखाया गया, जहां हमें उसकी फूमी और सायोरी के साथ दोस्ती के बारे में बताया गया। और लास्ट में हमने देखा कि माहितो ने अपनी कर्स एनर्जी को यूज करके नोबारा को मार डाला। और अब आगे, और तब हमें यहाँ पास्ट दिखाया जाता है, जहां फुशिगुरो, नोबारा और इटाडोरी इकट्ठे बैठे होते हैं। और तभी नोबारा से गलती से गोजो की शर्ट पर कॉफी गिर जाती है, और तब वो तीनों मिलकर उस शर्ट को साफ करने की कोशिश करने लगते हैं, पर इस चक्कर में वो उसे और भी ज्यादा बिगाड़ देते हैं। तब नोबारा कहती है, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी देखने में लग ही रहा है कि ये किसी सस्ते से ब्रांड की होगी, तो चलो देखना फुशिगुरो ये किस ब्रांड की है। और तब फुशिगुरो जैसे ही उन दोनों को उस शर्ट का प्राइस दिखाता है, तब वो दोनों उसका प्राइस देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तब नोबारा कहती है, तो चलो अब तो कुछ हो नहीं सकता, मैं अपनी तरफ से 90,000 येन दे दूंगी, तो बाकी के 80,000 तुम्हें देने होंगे। और तभी वहाँ गोजो आ जाता है और अपनी शर्ट के बारे में पूछने लगता है। और तब हम देखते हैं फुशिगुरो गोजो की शर्ट को अपनी यूनिफॉर्म के अंदर छुपा लेता है, और नोबारा और इटाडोरी इसे देखकर हंसने लगते हैं। और तब इटाडोरी ननामी और नोबारा की मौत को देखकर सहम जाता है। माहितो भागते हुए कहता है, मेरी एबिलिटी तो सच में बहुत खतरनाक है, मैं एक असली कर्स हूँ। और इटाडोरी के ऊपर ब्लैक फ्लैश से हमला कर देता है, जिससे इटाडोरी दीवार में जा लगता है। माहितो कहता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुमने यही सोचा होगा कि तुम फेरी टेल्स की तरह डीमंस को मार सकते हो, तुम यही सोचकर यहाँ आए थे ना, ये कितनी बेकार सोच है। और वो इटाडोरी के मुंह पर लात मारता है और उसे उठा उठा कर पटकने लगता है, और कहता है, ये एक लड़ाई है और ये लड़ाई गलतियां सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आइडियाज को दूसरों पर थोपने के लिए है। और उसे दीवार में पटक कर कहता है, हम दोनों एक ही जैसे हैं इटाडोरी, मैं भी बिना सोचे समझे लोगों को मारता हूँ और तुम बिना सोचे समझे लोगों को बचाते हो, हमारे इंस्टिंक्ट्स ह्यूमन से बिल्कुल अलग है, और ये लड़ाई ये देखने के लिए है कि अगले 100 सालों तक कौन जिएगा, आखिरकार तुम ये बिना समझे मुझे कैसे हराओगे। तो इटाडोरी, क्या तुम किसी ऐसे कर्स से मिले हो जिसे तुमने मारा हो? नहीं मिले हो ना, मैं भी नहीं मिला हूँ, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने ह्यूमंस को मारता हूँ, क्योंकि अगर मैं उनसे मिलूंगा भी तब तक तो मुझे याद भी नहीं होगा कि वो है कौन। और तभी हम देखते हैं जैसे ही माहितो इटाडोरी पर हमला करने लगता है, वो अचानक से गायब हो जाता है, और हम देखते हैं टोडो वहाँ आ चुका होता है, और तब वो एक जापानीज लिटरेचर हेके मोनोकोतारी का एक डायलॉग बोलता है, योना सोचा कि बेल्स की आवाज जब गूंजती है तब वो सभी के गुजरने का ऐलान करती है, और साला फ्लावर्स का रंग ये बताता है कि कोई ताकतवर इंसान गुजर चुका है, पर हम लोग थोड़े अलग हैं। और तब कुछ टाइम पहले टोडो 5th फ्लोर पर पहुंचा होता है, जहां उसका साथी अराटा कहता है, यहां पर जो ये सारे लोग हैं क्या ये जिंदा है? तब टोडो कहता है, यहां पर देखकर ऐसा लगता है कि गोजो को यहां पर प्रिज्म रेल्म के अंदर कैद करके छोड़ा गया था, पर लगता है अब वक्त आ गया है जब हमें अपने माइंडसेट्स को चेंज करना चाहिए, हमें गोजो को बचाने की जगह ये सोचना चाहिए कि हम अपने एनिमी को कैसे वीक कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह हम अपने साथियों को बचा पाएंगे। जल्दी चलो, मेरा भाई यहीं कहीं नजदीक होगा। तब अराटा सोचता है, इसका कोई भाई भी है, मुझे तो लगा था ये अकेला है। और तब माहितो टोडो को देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, आखिरकार यहाँ पर अभी क्या हुआ, क्या हम दोनों ने अभी अभी अपनी जगह चेंज की है? और इसके स्कार को देखकर लग रहा है कि ये वही है जिसने हनामी को मुसीबत में डाला था। और तब अराटा कहता है, टोडो मैंने उस लड़की को फर्स्ट एड दे दिया है, पर वो पहले से ही मर चुकी थी, तो इसलिए मुझे बाद में ब्लेम मत करना। और तब टोडो कहता है, बस करो और अब मेरे भाई की भी मदद करो, और भाई जल्दी से खड़े हो जाओ, हमारी लड़ाई अभी स्टार्ट ही हुई है। और तब इटाडोरी होश में आकर रोने लगता है और कहता है, मैं अब नहीं लड़ सकता क्योंकि ननामी और नोबारा मर चुके हैं, और सुकुना ने भी बहुत सारे लोगों को मार डाला है, तो इसलिए मैं और भी लोगों की मदद करना चाहता था, पर अब मैं नहीं कर सकता, और अब मैं बस एक मर्डरर बन चुका हूँ, और अगर मैंने अब बचने का कोई और रास्ता ढूंढा तो वो बस मेरा एक एक्सक्यूज बनकर रह जाएगा, मैं अब अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। और माहितो कहता है, मैं तुम्हारी आवाज कम होने के कारण कुछ नहीं सुन पा रहा हूँ, और उन पर हमला कर देता है। और तभी टोडो उसकी और अराटा की जगह की अदला बदली कर देता है, और जैसे ही माहितो टोडो पर हमला करने लगता है, हम देखते हैं टोडो फिर से अपनी पावर को यूज करके उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है और उसे एक जोरदार लात मारता है,
तमाही तो दूर जाके गिरता है और सोचता है, चाहे मुझे इसकी ट्रिक के बारे में पता है और देखो फिर भी ये मुझ तक पहुँचने में कामयाब हो गया। तब टोडो कहता है, भाई तुम्हें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, हम सभी लोग जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं। तुम, मैं, नोबारा और ननामी, हम सभी लोग जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे दोस्त जो मर चुके हैं वो कभी हार नहीं सकते। ये सब कुछ हमारे बुरे कर्म या फिर पनिशमेंट की बात नहीं है, क्योंकि जब से हम जुजुत्सु सॉर्सरर्स बने हैं तब से हमारी जिंदगी कर्मा के साथ बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। कभी कभी इस तरह सभी की मौत की वजह ढूंढना उन लोगों की डिसरिस्पेक्ट है जिनकी मौत हुई थी। तो तुम्हें याद करना चाहिए कि उन लोगों ने तुम पर किस चीज के लिए ट्रस्ट किया है, पर ये जरूरी नहीं है कि तुम इसका जवाब अभी ढूंढो। और तुम्हें इस चीज का जवाब ढूंढे बिना नहीं रुकना है। ये सवाल उन सभी के लिए पनिशमेंट है जो कि उन्हें सहना है। और सोचता है, मुझे अभी इसे वो सारी चीजें बताने की इसे जरूरत नहीं है। और तब अराता इटाडोरी के ऊपर अपनी कर्स टेक्निक को यूज करता है और कहता है, मेरी इस टेक्निक से तुम्हारी करंट इंजरीज और ज्यादा नहीं बिगड़ेगी। अभी तुम्हारी इंजरी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, अभी बस उनमें से खून निकलना बंद हो गया है और धीरे धीरे तुम्हारा दर्द भी खत्म हो जाएगा। पर अगर तुम दोबारा से लड़ोगे और तुम्हें और ज्यादा चोटें आएंगी तो मेरी टेक्निक उन नई चोटों पर कोई असर नहीं करेगी। और सोचता है, टोडो का भाई तो उनकी तरह बिल्कुल नहीं लग रहा है और कहता है, वहाँ जो लड़की पड़ी है मैंने उसे इसी तरह ट्रीट किया है, चाहे उसकी सांस पहले से ही बंद हो चुकी थी पर फिर भी अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी, तो शायद अभी भी चांस है कि वो बच सके, तो मैं उसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, पर तुम अपनी उम्मीदों को ज्यादा मत रखना। और वहाँ से चला जाता है। और इधर टोडो और माहितो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तब टोडो माहितो को लात मारकर ऊपर फेंक देता है और जैसे ही माहितो उस पर हमला करने लगता है हम देखते हैं टोडो बार बार अपनी टेक्निक से उसकी जगह बदल रहा होता है और तब माहितो वहाँ की आसपास की चीजों को तबाह करने लगता है। और तब टोडो जैसे ही माहितो को मुक्का मारने लगता है हम देखते हैं माहितो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, पर टोडो अपनी टेक्निक से दूसरी तरफ चला जाता है और तब माहितो फिर से उस पर हमला कर देता है, पर टोडो फिर से बच जाता है और कहता है, क्या हुआ, क्या तुम मुझे टच नहीं करोगे। तब माहितो सोचता है, ये लड़ने में बहुत अच्छा है, ये मेरे अटैक्स को डील करने के साथ साथ इटाडोरी के साथ भी अपना डिस्टेंस बना कर रख रहा है, और कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लाया हूँ। और तभी हम देखते हैं माहितो का एक ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन टोडो पर हमला कर देता है। तब माहितो सोचता है, क्या तुम इसे बस डॉज ही करोगे, चलो जल्दी से अब अपनी पोजीशन को चेंज करो, अब मैं तुम्हारी ट्रिक्स को समझ चुका हूँ, अब मैं जरूर तुम्हें हिट करूँगा। मैं कब से उस मूव को दोबारा से यूज करना चाहता हूँ और मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि मैं अपने सोल की असलियत के बस एक स्टेप ही पीछे हूँ। और तब हम देखते हैं टोडो इटाडोरी के साथ अपनी जगह को चेंज कर लेता है और इटाडोरी अपनी कर्स एनर्जी को इकट्ठा करते हुए सोचता है, मुझे माफ कर देना ननामी, मैं एक आसान रास्ता चुन रहा था और मैं अपने पापों को एक एक्सक्यूज के तौर पर यहाँ से भागने के लिए यूज करने वाला था। और तभी हम देखते हैं इटाडोरी माहितो पर ब्लैक फ्लैश से हमला कर देता है और सोचता है, ननामी अब से मैं तुम्हारी जगह सफर करूंगा। तब माहितो दूर जाकर गिरते हुए कहता है, तुम अभी भी जिंदा हो। और तब हम देखते हैं टोडो और इटाडोरी फिर से इकट्ठे खड़े हो जाते हैं और यहाँ मैकामारू मीवा से कह रहा होता है, लड़ाई जल्दी ही खत्म होने वाली है तो इसलिए शिबुआ जाना बेकार होगा, तुम्हें वापिस चले जाना चाहिए मीवा। तब मीवा कहती है, आखिरकार क्यों तुमने सिर्फ टोडो और अराटा की मांग की। तब मैकामारू कहता है, मेरे हिसाब से अगर टोडो शिबुआ जाता है तो उसके जिंदा रहने के 99% चांसेस हैं और यही सेम चांसेस अराटा की हैं और उसकी टेक्निक बहुत ज्यादा काम आ सकती है। तब मीवा कहती है, तो फिर मेरे बारे में क्या, क्या मैं यूजलेस हूँ। तब मैकामारू कहता है, ये सब कुछ इस बारे में नहीं है और ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, मैं माई कामो निशिमिया और उताहिमे, मैंने इन सभी के लिए 31st को क्योटो जाने का इंतजाम कर दिया था। तमीवा कहती है, आखिरकार तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, क्या हम दोस्त नहीं है या फिर ये इसलिए है क्योंकि मैं कमजोर हूँ। तब मैकामारू कहता है, ऐसी बात नहीं है, असलियत में कमजोर तो मैं हूँ और इसी वजह से मैंने गलत मेथड यूज किया, मैं इसलिए भी वीक हूँ क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ और मुझे लगा चाहे ये दुनिया जितनी मर्जी बदल जाए पर सब कुछ तब तक ठीक रहेगा जब तक मैं उसकी साइड रहकर उसे प्रोटेक्ट करूँगा,
चाहे उसने इस चीज की कभी उम्मीद भी ना की हो। और तब हम देखते हैं मीवा रोने लगती है और तब मेकामारु कहता है, अब वक्त आ गया है मीवा, मुझे जाना होगा। और हम देखते हैं मीवा उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है, तब मेकामारु कहता है, मीवा तुम्हें खुश रहना होगा और मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगी, पर याद रखना जब तक तुम खुश हो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी विश पूरी हो चुकी है। और तब मीवा और भी जोर जोर से रोने लगती है। तब इधर माई कहती है, उताही में जो कुछ भी मेकामारु ने किया। तब उतामे कहती है, बस करो वो पर्सन अब मर चुका है। तब कामो कहता है, उसने सच में हमें कमजोर समझा। तब निशिमिया कहती है, उसने ये कहा कि टोडो नहीं मरेगा और अगर हम लोग जाएंगे तो हम मारे जाएंगे, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो भी मेरे क्यूट जूनियर को रुलाएगा उसे मरना पड़ेगा। और इधर इटाडोरी और टोडो मिलकर माहितो के साथ लड़ रहे होते हैं और टोडो अपनी स्वैपिंग टेक्निक को यूज करके बार बार माहितो को चकमा दे रहा होता है। और तब हम देखते हैं वो लोग फ्लोर को तोड़कर नीचे चले जाते हैं जहां माहितो फुल स्पीड से भागने लगता है और दो हिस्सों में बटकर इटाडोरी पर हमला कर देता है। और टोडो फिर से अपनी स्वैप टेक्निक को यूज करके इटाडोरी को बचा लेता है और तब वो दोनों फिर से माहितो के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और तब माहितो उन पर ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन से हमला कर देता है। पर हम देखते हैं वो लोग रेलवे लाइन के पास पहुंच जाते हैं। तब माहितो सोचता है, इस पर्सन का स्पिरिचुअल रेजिड्यू तो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है और फिर भी कोई बात नहीं, पर क्या मैं इसे एक बार टच करके मार सकता हूँ। इटाडोरी की सोल के अंदर स्पिरिचुअल रेजिड्यू बस 10% बचा है और मेरी सोल में 40%। मेरा डुप्लीकेट पहले ही हार चुका है और इटाडोरी के अटैक और ब्लैक फ्लैश ने मेरी सोल को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है और ये सारी उस लड़की की गलती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उस जैसे कचरे ने मुझे आखिर में हर्ट कर ही दिया और अब ये दूसरा बार बार अपनी जगह चेंज कर रहा है जिससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। पहले मुझे इसे ही खत्म करना होगा। और तमाही तो उनके पीछे ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन छोड़ देता है और वो दोनों उससे बचकर भागने लगते हैं और तब उनके सामने भी एक ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन आ जाता है। पर हम देखते हैं टोडो अपनी टेक्निक से इटाडोरी और अपने आप को बचा लेता है और तब माहितो उन दोनों को अलग अलग कर देता है और टोडो के पीछे पड़ जाता है। और हम देखते हैं टोडो उससे बचते हुए भाग रहा होता है और तब माहितो दो ह्यूमंस को हथियार में कन्वर्ट करके टोडो पर हमला कर देता है, पर टोडो उसके हमले को डॉज कर लेता है। और तब माहितो जैसे ही टोडो को टच करने लगता है, टोडो फिर से अपनी टेक्निक यूज करके उसे डॉज कर देता है और उसे लात मारकर लिफ्ट के अंदर भेज देता है। और तब इटाडोरी और टोडो मिलकर ऊपर की तरफ भागने लगते हैं और तब टोडो इटाडोरी को जमीन से एक टुकड़ा उठा कर देता है और तब इटाडोरी उसे अपनी कर्स एनर्जी से भरकर टोडो की तरफ फेंकता है। तब टोडो सोचता है, अगर तुम इसी से सेटिस्फाई हो जाओगे तो मुझे माफ कर देना, फिर हम लोग अब से बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रह सकते। इस कर्स एनर्जी ने ब्लैक फ्लैश को यूज करना सीख लिया है और अब जो पर्सन पीछे रह गया है वो मैं हूँ। भाई अब तुम स्ट्रांग बन चुके हो तो बताओ, आए हो टोडो, क्या तुम अपने स्टेटस को बनाए रख पाओगे या फिर तुम फिर से इटाडोरी को अकेले छोड़ दोगे। और तब हम देखते हैं टोडो अपनी पूरी कर्स एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और टकाडा को सोचकर माहितो पर ब्लैक फ्लैश से हमला करता है। पर हम देखते हैं माहितो को फिर भी कुछ नहीं होता और वो सोचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अटैक कितना पावरफुल है या फिर तुम कितनी बार ब्लैक फ्लैश को यूज करते हो, पर अगर तुम मेरी सोल को हर्ट ही नहीं कर पाए तो ये सब कुछ मीनिंगलेस है। और तब हमें बताया जाता है अब ये तीनों अपने 120% पोटेंशियल तक पहुंच चुके हैं और तब माहितो अपने ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन से उन दोनों पर हमला कर देता है। तब टोडो सोचता है, इसके इस फुल रेंज अटैक की वजह से हमारा जगह चेंज करना भी बेकार हो जाएगा, क्या ये अब सीरियस हो रहा है। और हम देखते हैं वहाँ सब कुछ तबाह होने लगता है और वो दोनों सीधा अंडरग्राउंड से बाहर आ जाते हैं। तब माहितो चीखते हुए कहता है, जरा और जोर लगाओ इटाडोरी, ये हम दोनों का एक दूसरे को कर्ज करने का आखिरी चांस है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस इस एपिसोड में ना हमने काफी चीजें एड ऑन की हैं, जैसे कि आपको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सारे चेंजेस कैसे लगे। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।